हम पहुंचे हैं गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, और गुरुग्राम लोकसभा का भी वो इलाका जिसे लोग पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं, हम नू मेवात के इलाके के अंदर हैं और घासेड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और यहाँ विकास अगर हुआ है तो कितना विकास हुआ है, उनसे जानते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ विकास कोई जानता ही नहीं, सब आते हैं बस वोट लेने के लिए। 5 साल में कोई आ गया यहाँ? ना तो सबसे बैकवर्ड बच्चे पिछड़ा इलाका है, ना यहाँ पानी है, और यहाँ ना कोई स्कूल। मतलब अब इंद्रजीत जो है, मतलब अब जब इलेक्शन पे अब आए हैं, वो 5 साल में आए हैं, बीच में कोई आना ना देखना ना, बहुत बैकवर्ड पिछड़ा इलाका है हमारा नूह जिला, बिल्कुल सबसे पिछड़ा इलाका है। राविंदर जीत कांग्रेस से सांसद रहे हैं, उस वक्त में जिस वक्त कांग्रेस से सांसद रहे थे, यहाँ से कोई उनके मुकाबले में नहीं था, पूरी मेवात ने उनको बढ़ चढ़कर वोट दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। पार्टी तब्दील करके वो बीजेपी में आए, बीजेपी में उनको खूब बहुमत से यहाँ से जिता कर भेजा गया। आज राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि मुझे एक बार तो यहाँ से कभी जिता कर भेजो ताकि मैं विकास करूँ, अगर नहीं दी वोट वो फिर भी विकास नहीं करेंगे, क्या वो भेदभाव रखते हैं इसमें? तो अब कांग्रेस ने राज बब्बर को यहाँ से उतार दिया है, कैसे कैंडिडेट मानते हैं, क्योंकि एक फिल्म अभिनेता है, पहले कहीं और से चुनाव लड़ते रहे, अब की बार यहाँ से उतार दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ, राज बब्बर जो है वो एक परदेशी आदमी है, क्या कांग्रेस को लोकल आदमी नहीं मिला था? तो ये राज बब्बर को लाए हैं, वो हमें आप जीतने के बाद नजर नहीं आएंगे 5 साल में, कहाँ रहते हैं, हम उसको जानते नहीं, उनका ऑफिस कहाँ है, वो हमें नहीं जानते। कोई सरकारें, चौटाला साहब की सरकार रही, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, अब पिछले 10 साल से कह सकते हैं कि जो मनोहर लाल की सरकार थी, अब नायब सैनी बन गए, किसी ने विकास किया होगी? भाई किसी ने ना करा यहाँ पर विकास, किसी ने नहीं करे यहाँ पे, ये तो बैकवर्ड सबसे पिछड़ा इलाका है। ठगने के लिए आते हैं बस, ये कर देंगे वो कर देंगे हम ये करेंगे, कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि किसी ने भी, ना कांग्रेस ने विकास किया ना बीजेपी ने विकास किया, क्या करेगा मेवात? विकास की आप बात करते हो कि किस पार्टी ने यहाँ विकास किया? विकास किया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, ऐसे नहीं कि नहीं किया, किया है विकास, बहुत सारे काम। आप सामने देखो ये वाटर टैंक है, हर गांव घर के अंदर पानी पहुंचाया है, जब से कांग्रेस सरकार आई है जो हमें देन मिली थी, कांग्रेस हमारी उस देन को भी खा चुकी है, थोड़ी बहुत बची वो बीजेपी खा चुकी है। तो अब इनेलो की अगर बात कर रहे हैं, तो इनेलो ने तो आपके लोकल उम्मीदवार भी उतारा है? हाँ बिल्कुल उतारा, हम लोकल के साथ हैं। उसको जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी हुआ, पानी की हमारे क्षेत्र में काफी दिनों से परेशानी, जब से देश आजाद हुआ तब से पानी की परेशानी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा खारी पानी है। कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है। किस तरह के मुद्दे हैं, कौन किसको आप पसंद करते हैं, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे वोट, तो कांग्रेस देंगे वोट। किस मुद्दे पर वोट देंगे? महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सारे देश में हाहाकार मची है सब तरह की। वोट हम कांग्रेस को देता है, कांग्रेस को देंगे, हमारे कांग्रेस के आदमी हैं, पहले से ही पुराने आदमी, हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं, कांग्रेस को देंगे हम। बीजेपी कह रही बहुत विकास करवाया है 10 साल में, कुछ भी ना हुए हमारो, कोई काम ना हुए और बर्बाद हो गए सब, बखेड़ो खराब खत्म। आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या मसला है यहाँ? देखो जी, यहाँ मजदूरी नहीं है, जो इंडस्ट्री एरिया है वो भी बंद हो गई, छोटी छोटी कंपनी सारी बंद है, और महंगाई का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, भ्रष्टाचार है, और यहाँ तो ज्यादा जोर ही कांग्रेस का, कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं पसंद कर रहे लोग यहाँ? बीजेपी को नो पसंद ना कर रहे, बाबू जी कुछ है ही ना बीजेपी, धंधे पानी ना खत्म हो गए, रोजगार नहीं मिला, कुछ तरक्की नहीं मिला, कुछ तरक्की ना है सर, भाईचारा खत्म, आपस का जो भाईचारा था वो खत्म कर दिया बीजेपी के पास। एक ही बात है कि बस हिंदू मुसलमान की आपस में झगड़ा कराना। प्रधानमंत्री तो कह रहे ना तो मैंने हिंदू मुसलमान किया और ना ही मैं आगे हिंदू, संकल्प कह रहे कि हमने लिया, जितना भी झगड़ा हुआ उसके पास यही मुद्दा है, राम मंदिर मस्जिदों का दूसरा कोई काम है नहीं उसके पास। नू तो बड़ा शांति प्रिय इलाका रहा है, बहुत शांत लोग हैं, मतलब कोई झगड़ा ही नहीं हुआ यहाँ इतने दिनों में, पहला झगड़ा था नू में, मेवात में जो झगड़ा था हिंदू मुस्लिम का वो पहला झगड़ा था। लोगों में तो कोई मनमुटाव नहीं होगा उसके बाद? हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, हमारे यहाँ पे अभी भी शांति है, पहले भी शांति थी और हमेशा शांति रहेगी।
सरकार का जो कि एक वो सरकार का अपना जो है कि रणनीति ही झगड़ा कराने के लिए, खाली अपनी सीट पाने के लिए, भाईचारा खत्म कराने के लिए। भाईचारा तो ठीक है यहाँ पर, और एजुकेशन का क्या है? स्कूल यहाँ एजुकेशन कुछ स्कूल है ही नहीं जी, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पे किसी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज पे। आप लोगों को क्यों लगता है कि इतनी अनदेखी क्यों है इस इलाके की, इतनी अनदेखी क्यों? सरकारें तो बदलती है पर विकास तो किसी भी सरकार ने नहीं किया, आप कहते हैं? कोई किसी का कोई विकास नहीं, कोई काई को नहीं, यहाँ कोई एक बच्चा कोई नौकरी नहीं, किसी को नौकरी पढ़े लिखे बहुत ढूंढ रहे, किसी को नौकरी नहीं मिली आज थोड़ी, कोई नहीं काम यहाँ, किसी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ कोई दिलदिलासा देने भी नहीं आता है, यहाँ कोई दिलदिलासा देने भी नहीं आता, कोई यहाँ कोई नौकरी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो आदमी डिग्री हासिल कर सके, और यहाँ कोई मजदूरी नहीं किसी भी तरीके। और जो यहाँ के बंदे हैं, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री एरिया है उसमें भी यहाँ के बंदे नहीं है। राज बब्बर जी को उतारा यहाँ से चुनाव मैदान में कांग्रेस ने, आपको उम्मीद है उनसे? लोग तो कह रहे कि उम्मीद मुंबई जाकर बैठ जाए। उम्मीद तो हमें पिछली सरकार से भी थी, बीजेपी से भी थी, कांग्रेस से भी थी, लेकिन किसी ने भी हमारा कोई विकास नहीं किया। अब उनसे उम्मीदें हैं? आप अगर आप हमें इस चीज का विश्वास दिलाओ, आश्वासन दिलाओ, हमें आपसे भी उम्मीद है। दिला रहे विश्वास आपको, कांग्रेस दिला रही है? आपसे भी हमें उम्मीद है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें आपसे भी उम्मीद है। अगर आप हमें विश्वास दो, अगर कांग्रेस विश्वास, कांग्रेस का विश्वास है, बीजेपी दिलाएगी, बीजेपी का विश्वास है। तो लोगों में गुस्सा है, जाहिर सी बात है कि इस इलाके की बहुत अनदेखी हुई है, सालों से अनदेखी होती आई, लोगों में बहुत गुस्सा है। इस बार मुद्दा मुख्य तौर पर यहाँ पर वही महंगाई, बेरोजगारी की, यहाँ पर आमदनी नहीं बढ़ी है, तमाम बातें होती रही विकास की, लेकिन विकास यहाँ से अछूता रहा। गुरुग्राम से कोई 15-20 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर विकास अछूता है, विकास नजर नहीं आता, लोगों में गुस्सा है और इस बार वो बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन सरमप्रीत के साथ मैं सुदेश मैन, मोर न्यूज़।